जी जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं छोटकी खरकडीहा और करणपुरा। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं राधा स्वामी संगठन के द्वारा RS मोटर्स ई स्कूटी का दो शोरूमों का भव्य उद्घाटन किया गया है। बताया जाता है राधा स्वामी संगठन के ज्वाइंट वेंचर RSOG सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ई स्कूटी के दो शोरूमों का उद्घाटन चिश्ती ऑटोमोबाइल छोटकी खरकडीहा और करणपुरा खंडोली बेंगाबाद ग्रिड में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा के द्वारा किया गया। इस मौके पर श्री सिन्हा ने बताया कि राधा स्वामी संगठन निरंतर अपने ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य व प्रयास कर रही है। राधा स्वामी संगठन से जुड़े पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जा रहा है और इसी के मद्देनज़र एक और सराहनीय कार्य झारखंड के गिरिड जिला और दो RS मोटर शोरूम का उद्घाटन किया गया। विशेष रूप से संगठन से जुड़े सभी परिवार और महिलाओं, बहनों एवं बेटियों के लिए राधा स्वामी संगठन का एक और योजना धरातल पर सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत सभी माताओं बहनों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े, बेटियों को पढ़ाई में परेशानियां ना हो, कॉलेज आने जाने और कई अन्य कार्य में सहयोग प्रदान करेगी। इसलिए राधा स्वामी संगठन RS मोटर्स के तहत सभी ग्रामीणों के लिए आई है ई स्कूटी, जिससे सर्वप्रथम प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण होगा, बढ़ते महंगाई पेट्रोल से निजात मिलेगी और साथ ही हमारे ई स्कूटी की विशेषता और संगठन के सहयोग से 5 वर्षों में 2 बार बैटरी निःशुल्क बदला जाएगा और 5 वर्ष पूर्ण होने पर पुराना ई स्कूटी संगठन के किसी भी शोरूम में जमा कर नया स्कूटी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह अपनी क्षेत्रीय वासियों के लिए संगठन की ओर से दुर्गा पूजा, धनतेरस व अन्य सभी त्योहारों को लेकर उपहार स्वरूप है। इस प्रकार और कई शोरूम पूरे झारखंड राज्य और पूरे भारत में खोला जाएगा। इस मौके पर श्री सिन्हा के साथ जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी सब वाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, छोटकी खरगड़िया शोरूम फ्रेंचाइजी पार्टनर इकबाल अंसारी, जगन्नाथ डी पंचायत प्रतिनिधि कविता लोहनी बेंगाबाद प्रखंड सह गांडे विधानसभा प्रभारी शमीम अख्तर के साथ पंचायत प्रतिनिधि रामदेव महतो, बेबी देवी सलाउन्ना रहमान अंसारी, इकबाल अंसारी, बालेश्वर प्रसाद वर्मा, सुजाता कुमारी, मालती देवी के साथ कई ग्रामीण मौजूद रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा। तो फिर आप बने रहे BNB के साथ और आप भी कर सकते हैं BNB के साथ दिल की बात और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। राधा स्वामी संगठन के समस्त पंचायत प्रतिनिधिगण, प्रखंड प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला कार्यालय प्रभारी व मीडिया बंधु और उपस्थित हमारे क्षेत्रीय ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी संगठन वर्ष 2010 से निरंतर सेवा भावना से आप लोगों के समक्ष कार्य कर रही है। राधा स्वामी संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। हमारा कोई भी योजना, तकरीबन 12 से 13 योजना हमारा धरातल पर सक्रिय है। जैसे हमारा मुख्य योजना राधा स्वामी कन्यादान योजना, राधा स्वामी कन्यादान योजना के अंतर्गत हम लोग सभी बच्ची को 1 लाख रुपए और विवाह सामग्री का सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि किसी की भी बच्ची हो जाने के बाद बहुत ऐसे रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो है तकलीफ होने लगता है कि बच्ची को पढ़ाना कैसे है, विवाह कैसे करना है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया कि बच्ची बोझ नहीं है, बच्ची जो है हम लोगों के लिए जो है भगवान है, हम लोग उसको सम्मान करते हैं, देवी का स्थान देते हैं, और बेटियों को जो है भ्रूण हत्या रोका जाए, बच्चियों का कम उम्र में विवाह ना किया जाए, ये सबको हम लोग मद्देनजर रखते हुए राधा स्वामी कन्यादान योजना का नींव रखे थे। और राधा स्वामी कन्यादान योजना से ही काफ़ी योजना संचालित है, वृद्धा पेंशन योजना है, उसके बाद कन्यादान योजना है, शिक्षा योजना है, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना है, वाहन योजना है। हमारा सिर्फ ई स्कूटी नहीं, आपके भारत में जो भी स्कूटी संचालित है, कोई भी स्कूटर संचालित है, कोई भी बाइक संचालित है, फोर व्हीलर संचालित है, सभी वाहन पे जो है 40% का डिस्काउंट आज 2010 से हम लोग निरंतर दे रहे हैं। और गिरिडीह जिला में तकरीबन 4 से 5 हज़ार वाहन जो है राधा स्वामी संगठन के सहयोग से सुचारू रूप से संचालित है। और राधा स्वामी आवास योजना के अंतर्गत गिरिडीह जिला में तकरीबन 500 से 1000 आवास जो है हमारे चयनित हैं, जिसमें 2 आवास का निर्माण जो है प्रारंभ है। आपके बगल में करणपुरा दनवाडी में जो है 1 आवास का कार्य प्रारंभ है, ढलाई हो चुका है, अगले महीने 8 तारीख को जो है चाबी सौंपने का भी कार्य किया जाएगा।
और एक आवास जो है हमारा कल्याणी में बचम्बा कल्याणी में जो है नवनिर्मित है, प्रारंभ है कार्य उसका, जो है कल ढलाई है उसको भी बहुत जल्द जो है चाबी सौंपने का कार्य राधा स्वामी संगठन करेगी। आवास योजना में जो है ग्रामीणों से मात्र 10% अनुदान लिया जाता है और 90% अनुदान संगठन करती है और घर जो है संपूर्ण रूप से कंप्लीट करके जो है ग्रामीण को सौंपा जाता है, क्योंकि भारत में हमारे केंद्रीय आवास योजना जो है पीएम आवास योजना जो है उसमें कुछ धनराशि ग्रामीण को मिलती है, लेकिन वो कुछ धनराशि जो है ग्रामीणों के लिए जो है कोई कार्य का नहीं होता है, क्योंकि घर से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया जो है धनराशि लगाना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत ऐसे ग्रामीण जो है जो असक्षम है, वो रुपए लेके भी दीवार खड़ा करके भी जो है घर को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और हमारे राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आवास दिया जा रहा है उसका जो अगले महीने 8 तारीख को जो चाबी सौंपने का कार्य है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है उपस्थित रहें और उस आवास को देखें कि राधा स्वामी 10% अनुदान लेके जो है कैसा आवास दे रही है, जिसमें टाइल्स मार्बल नल बिजली कंस्ट्रक्शन सारा कुछ जो है कंप्लीट करके राधा स्वामी संगठन सौंपने का कार्य कर रही है। और उसी तरह कन्यादान योजना से भी सभी जुड़े और लाभ लें। और ये चिश्ती ऑटोमोबाइल्स राधा स्वामी आरएस मोटर्स का जो ये हमारा फ्रेंचाइजी सेंटर है चिश्ती ऑटोमोबाइल्स, इसमें हमारा गाड़ी या स्कूटी बेचने का हमारा मकसद नहीं है, हम यहाँ बेचने के लिए शोरूम नहीं किए हैं। हमारा मकसद है कोई भी भाई बंधु बहन हमारी महिला जो गाड़ी लेना चाहती है स्कूटी लेना चाहती है, कॉलेज स्कूल जाने में असुविधा होती है, पेट्रोल भराने में असुविधा होती है, बढ़ते महंगाई को देखते हुए पेट्रोल का जो कीमत हो रहा है उससे निजात मिले, प्रदूषण मुक्त जो है समाज रहे, और इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो हमारा जो मकसद था वो मेन जो है हम लोग अपने क्षेत्र से और हमारे सदस्यों के लिए जो है इसको लेके आए हैं और पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए इसको हम लोग जो है मुहैया करा रहे हैं। इसमें मुख्य जो हमारा भूमिका है राधा स्वामी संगठन का, ये जो है हम लोग बहुत मार्केट से मूल्य जो है 40% डिस्काउंट के तहत ही, जैसे कि इस गाड़ी का लागत तकरीबन 88 से 90 हज़ार रुपया मार्केट में इसका लागत है, ये मात्र 57 हज़ार रुपया में आप लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। और पाँच वर्षों में 2 बार इसमें बैटरी भी आप लोगों को निःशुल्क बदल के दिया जाएगा और 5 वर्ष चलाने के पूर्व फिर हमारे किसी भी शोरूम में इस गाड़ी को जमा कीजिए और नया गाड़ी लेके जाइए निशुल्क। यही मकसद है हमारा कि आर्थिक मजबूत रहिए और हो सकता है फिर 5 वर्ष में बदलने के बाद भी ऐसा कुछ प्रावधान लाएं कि ये गाड़ी आप लोगों को बस बदलते रहिए और चलाते रहिए, बदलते रहिए और चलाते रहिए, लागत कम लगेगा और जितना लाभ ले सकते हैं ले सकते हैं। और इस बात ही नहीं, हमारे सभी योजना को आप लोग समझे, काफी योजना है और बहुत ही लाभकारी योजना है और बहुत ज्यादा लाभार्थी हमारे क्षेत्र में है। आप ही के क्षेत्र में अगर पता कीजिएगा तो राधा स्वामी से काफी लाभार्थी हैं, कोई आवास योजना के लाभार्थी हैं, कोई कन्यादान योजना के लाभार्थी हैं, कोई शिक्षा योजना के लाभार्थी हैं, कोई आर्थिक सहयोग के लाभार्थी हैं, इस तरह के अनगिनत योजना के जो है लाभार्थी आपके क्षेत्र में ही हैं। और पूरे भारत वर्ष में हमारा कार्य चल रहा है, सिर्फ फरकडीहा गिरिडीह बेंगाबाद नहीं, आज हमारा कार्य जो है 18 राज्य में सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में भी हमारा कार्य चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, असम में भी चल रहा है, ऐसे सभी राज्य जो है 18 राज्य में हमारा कार्य चल रहा है और 18 राज्य में जो है हम लोग लाभ देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़े समझें और लाभ लें। धन्यवाद। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब हर खबर कैसे आप तक पहुंचाने से पहले खरे कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी और बने रहे बीएनबी और हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा।